तो जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, आपके सहाबा में कौन फौत हुआ है? आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। आपने कहा मेरा साथ बीमार था, आपने दौड़ लगाई देखा तो साथ फौत हो चुके। आपने आप देखो आप ये सारी मस्जिद भरी है ना, अगर मैं यहां से वहां जाऊं तो मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। कमरा खाली था, साद में नमाज जिस कमरे में थे मैयत, कमरा खाली, लेकिन आप दाखिल हुए जैसे कोई मजमे को चीर के आता, यूं 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 यूं, और साद के कब सराने यूं करके बैठ गए, ऐसे करके। या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे? सहाबा, या रसूल अल्लाह एक आदमी कमरे में कोई नहीं, आप यूं यूं दाखिल हुए और यूं करके बैठ गए, क्या चक्कर है? फरमाया तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूं, ये कमरा फरिश्तों से भरा हुआ। अरे मेरे यार अब्बा, बड़ी मौत न दी, चंगिया करके ही मारी मेरे मौला, कमरा भरा हुआ है। अभी एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है, एक फरिश्ते ने अपने पर को पीछे किया है और मेरे बैठने की जगह बनाई है। साथ में नमाज, लंबा कद, हैवी जिस्म, जनाजा उठाया बिल्कुल हल्का। या रसूल अल्लाह साथ के जनाजे का तो वजन कोई नहीं। कहा वो तोड़े मोड़े ते नहीं जा रहा, फरिश्तियां दे मोड़े ते जा रहे हैं। कलमा शहादत तो हमारे लिए होता है, अरे इसको फरिश्तों ने मोड़ा दिया हुआ है, तुझे तो एवं ही मोड़े दीती जाते हो, वो तो फरिश्तियां दे मोड़े ते जा रहे हैं, मेरा यार जा रहा है, रब का दुलारा जा रहा है, अल्लाह के महबूब का मेजबान जा रहा है, साद बिन माज अंसार के सरदार।